हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, नशा मुक्ति तज्ञ, हिप्नोथेरेपिस्ट, NLP टेक्निक सिखाने वाला, मतलब लाइक NLP ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं सफलता के बारे में आपको आज 5 स्तंभ बताने वाला हूँ, और वो 5 स्तंभ ऐसे है कि जिसमें यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। उसमें पहला स्तंभ जो है वो है कि जो काम जो समय पे बोला हो समय पे वो काम करो, मतलब समय का पालन करो, और अपना शब्द जो दिया है वो शब्द कि कौन से समय पे वो काम करूँगा वो शब्द का पालन करो, प्रामाणिकता से काम करो, सच्चाई से काम करो। नंबर 2, अपने रिश्ते जो है वो बहुत बड़े करो। रिश्ते क्या होता है कि बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े रिश्ते करते हैं, बड़े बड़े लोगों से रिश्ते करते हैं। बड़ा काम अकेला आदमी नहीं कर सकता, बड़ा काम करना है तो बहुत लोग लगेंगे, लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे लगेंगे। तो रिश्ते अच्छे करना, रिश्ते बड़े करना, रोज़ नए नए लोगों से संपर्क करना, उनको अपने टीम में शामिल कर लेना, वो करना ज़रूरी है। और रिश्ते अच्छे करना मतलब लोगों से कोई भी छुपाने का नहीं, लोगों से प्यार करना, लोगों को मान सम्मान देना बिना छुपाते हुए, कुछ भी पकड़ के बैठना नहीं किसके भी बारे में मन में, और सबसे अच्छा संवाद करना। रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो उसकी 100% जिम्मेदारी खुद में लेना। तो ये रिश्ता जो है ये एक स्तंभ है कि जिससे सफलता आपको मिल सकती है। तो अच्छे और बड़े रिश्ते तैयार करना, पहले मैंने बताया कि वचन का पालन करो, जो बोला जो समय पे बोला समय पे करो, प्रामाणिकता से सच्चाई से काम करो। नंबर 2 मैंने बोला रिलेशनशिप अच्छी करो। नंबर 3 जो है कि जो भी आप काम करते हैं वो बिगिन विद द एंड इन माइंड करो। बिगिन विद द एंड इन माइंड इसका मतलब आखिर में सफलता मुझे जो मिला नहीं किया, जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट ख्याल में रखो कि मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, और वहाँ से फिर अभी आज मुझे क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए उसका प्लान पूरा बनाओ। मतलब समझो मुझे 6 महीने बाद में रिजल्ट चाहिए तो 6 महीने का प्लान बनाना चाहिए कि वो कल तक मैंने क्या करना, आज भी क्या करना वो रिजल्ट अचीव करने के लिए। तो पूरा प्लान, ट्रैकिंग शीट, स्ट्रक्चर, डायरी लिखना, डे टू डे मेंटेन करना, पूरी एक्शंस कौन सी है, कब एक्शन लेने वाले हैं, कौन से गोल्स कब कब अचीव होने वाले वो लिखना, तो ये काम करना वो जरूरी है। इसको बोलते स्ट्रक्चर तैयार करना, ये है 3रा स्तंभ। 4था स्तंभ जो है कि किसी को भी मैंने कन्विंस मैं कर सकता हूँ, इस तरह मेरा संवाद हो जाना। मतलब मैं जो बोलता हूँ तो मेरे बोलने में लोगों ने हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, लोगों ने अपोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अपोज़ करेंगे तो लोग मेरे साथ में आएंगे नहीं। तो बिना लोगों को प्रेशर डालते हुए, बिना लोगों को डोमिनेट करते हुए, बिना लोगों को मतलब दुख पहुँचाते हुए या हर्ट करते हुए, मैंने खुद को बोलना चाहिए कि मैं ऐसे क्या बात करूँ, कैसी बात करूँ कि सामने वाला मेरे को हाँ बोलेगा, मेरे को ना नहीं बोलेगा। तो मैं सामने वाले को कन्विंस करने की मेरी ताकत होना जरूरी है, और कन्विंस करने के बाद में उसने मन से ऐसा बोलना है कि ठीक है मैं आपके साथ में हूँ या मैं ये करने को तैयार हूँ। तो संवाद कौशल्य। और 5वां जो है कि ये सब करने के बाद में सामने वाले को बोलना अभी तो एक्शन ले ले, क्योंकि हम आखिरी तक लेके जाते हैं और अभी एक्शन लो, अभी कृति करो, अभी चालू करो, वो नहीं करते। क्योंकि आपने कितने भी आइडिया अच्छे अच्छे लाया, कितना भी प्लानिंग किया, कितनी भी स्ट्रैटेजी तैयार की, जब तक उसका एग्जीक्यूशन होता नहीं है, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, जब तक उसमें एक्शन लेते नहीं हो, तो आपको सफलता मिलेगी नहीं। तो वो प्लान जो है वो प्लान काम में लाना, प्लान के ऊपर एक्शन लेना वो जरूरी है, और सामने वाले को बोलना ठीक है तू मेरे टीम में अभी एक्शन लेना चालू कर। तो उसको एक्शन लेने के लिए बाध्य करना, एक्शन लेने के लिए डिमांड करना, एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करना, जो भी आपको करना है वो करना, ताकि वो आपके साथ में आए। और आप खुद अकेले करना है तो आपने जो प्लान बनाया हुआ है वो प्लान के ऊपर एक्शन चालू करना। तो पहला है वचन का पालन करो, जो समय पे बोला वो समय पे करो, जो समय पे जो बोला वो समय पे वो करो, जो आपको मालूम है कैसा करना चाहिए वैसा करो और वो समय पे करो, प्रामाणिकता से काम करो, सच्चाई से काम करो। नंबर 2, अच्छे रिश्ते तैयार करो, अच्छे रिश्ते होना जरूरी है, और जितने अच्छे आपके रिश्ते रहेंगे उतनी आपकी बड़ी टीम हो जाएंगी, उतने आपके काम सहज हो जाएंगे। नंबर 3, जो भी आप काम कर रहे हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड, उसका प्लान बनाओ,
और प्लान बना के प्लान के मुताबिक एक्शन लिखो, तो प्लान बनाएंगे तो एक्शन पक्के हो जाएगी। नंबर चार, संवाद कौशल्य होना कि मैं सामने वाले से क्या संवाद करूँ जिसमें वो जो संवाद मैं करूँ वो संवाद से उसने कन्विंस होना जरूरी है, या उसने अपने मन से बोलना कि ठीक है मैं आपके साथ में हूँ, या उसको पट जाना। तो संवाद कौशल्य वो यदि आपके पास में है तो आप सफलता पा सकते हो। और पांचवा है कि जो भी आपने प्लान तैयार किया उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए खुद तैयार हो जाओ, या सामने वाले को एक्शन लेने के लिए बोलो कि अभी तुम एक्शन ले लो। जैसे पांच यदि आप बातें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और ये पांच स्तंभ है सहज सफलता पाने के, सहज रिजल्ट पाने के। आपको वीडियो अच्छा लगा, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो झूझते होंगे सफलता पाने के लिए या रिजल्ट पाने के लिए, उनको रिजल्ट नहीं मिलते होंगे उनके लाइफ में। ये वीडियो यदि आप उनको शेयर करते हैं तो ज़रूर उनको ब्रेक थ्रू मिलेगा उनके लाइफ में, उनको फ़ायदा होगा। तो आप ज़रूर उनको ये शेयर करो, खुद एक्शन लो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।